करते हैं आज के कंपनी से, मुथूट फाइनेंस से। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं और कंपनी ने पहली तिमाही में नतीजे ठीक ठाक पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 11% बढ़ा है, वहीं ब्याज से आय में 22% की ग्रोथ देखने को मिली। पहली तिमाही में ग्रोथ आउटलुक कैसा आगे कंटिन्यू करेगा और पूरा साल कैसे जाएगा, गोल्ड की कीमतों को देखते हुए भी क्या माहौल बन रहा है, सब पर बातचीत करेंगे कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट से। अलेक्जेंडर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू जी। तो लार्जली नंबर तो हम लोगों को ठीक दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाता है आप लोगों से, तो उनको ऐसा लगता था कि प्रॉफिट आपका जो बढ़ के आया 11% YoY, वो 5-6% और बढ़ना चाहिए था। 7% का उनको लगता है कि मिस है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नमस्कार। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये हमारा एक सबसे बढ़िया क्वार्टर रहा है। इट्स बीन अ हिस्टोरिक क्वार्टर। हमने 28% YoY ग्रोथ किया है, 98,048 करोड़ का इन कंसोलिडेटेड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट। स्टैंड अलोन एसेट अंडर मैनेजमेंट 25% का ग्रोथ रहा है, 84,324 करोड़। एंड आर प्रॉफिट हैज बीन द हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर हिस्टोरिकली, विच इज 1,196 करोड। मुथूट फाइनेंस बीइंग अ लिस्टेड एंटिटी, हमने कभी प्रॉफिट का गाइडेंस कभी दिया नहीं, हमने हमेशा ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। और ग्रोथ के गाइडेंस में हमने एक 15% का ग्रोथ का गाइडेंस हम हमेशा दिए जा रहे हैं, और वो ग्रोथ गाइडेंस वी आर वेल ऑन ट्रैक एंड वी आर डूइंग वेल ऑन दैट। प्रॉफिट का गाइडेंस हम कमी देते नहीं है, हमेशा ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं। तो एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न, लाइक आई सेड, इट हैज बीन द हाईएस्ट एवर इन एनी क्वार्टर हिस्टोरिकली, 1,196 करोड़। सो आई थिंक वी हैव डन वेल देयर। आर डिसबर्समेंट्स ऑल्सो हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स रहा है, 73,648 करोड़। एंड हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स टू न्यू कस्टमर्स टू 5,651 करोड़। And highest ever increase in gold loan AUM at 23% increase at 14,883 crores. So overall, I think it has been a very robust performance, a very historic performance. And I think jo guidance humne market ko diya tha, we are well on track to achieve that. पहले तो सर आपकी तारीफ, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। थैंक यू मैम। जॉर्ज सर के मुकाबले बहुत ही बढ़िया, वेल वर्स हिंदी है आपकी, बहुत अच्छी हिंदी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। तो आप ये बताइए सर कि आपका प्रोविजन हम देख रहे हैं 223 करोड़ का है, पिछले बार 85-86 करोड़ का, प्रोविजन क्यों बढ़ गया इतना? हाँ जी, क्वालिटी खराब हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने इंड एएस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सिंस 2018 हमने इंड एएस प्रोविजन स्टार्ट कर दिया, उसमें एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का प्रोविजन करना पड़ता है। हमारा गोल्ड लोन ग्रोथ भी इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट मोर देन 8,500 करोड़ हुआ है। तो हमारे जो स्टेज वन और स्टेज टू के एसेट्स हैं, उसमें हमने प्रोविजन 81 करोड़ का दिया है, एंड स्टेज थ्री एसेट्स में 130 करोड़ का दिया है। बट इसमें कंसर्न की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो गोल्ड लोन एसेट्स हैं, स्पेशली एनपीए कैटेगरी में, उसका जो लोन टू वैल्यू रेशियो है इज ओनली 54%। तो वी आर इन वेरी वेरी गुड, यू नो, लोन टू वैल्यू रेशियो इन गोल्ड लोन सेगमेंट इज अलाउड बाय आरबीआई फॉर टिल अबाउट 75%। बट इन आर एनपीए कैटेगरी वी आर ओनली एट 54% एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में 63% ही है। हमारा गोल्ड लोन का जो प्रोडक्ट है वो एक साल का प्रोडक्ट है, एक साल के बाद 90 दिन के बाद उसको एनपीए क्लासिफाई किया जाता है। बट मुथूट फाइनेंस हैज ऑलवेज बीन अ वेरी कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, तो हम हमेशा टाइम एक्सटेंड करके देते हैं हमारे बोरोस को, ताकि वो अपना गोल्ड को रिन्यू और रिटेन कर पाए। हम अगर एनपीए कम करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से हम गोल्ड ऑक्शन कर सकते हैं, बट हम वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाते। हम हमेशा एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी रहे हैं, वी ऑलवेज लुक एट द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर्स एंड वी गिव देम एक्स्ट्रा टाइम टू रिन्यू। अलेक्जेंडर, ये इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि आप कस्टमर सेंट्रिक हैं, रादर कि उसको पैसा वसूल लें ऑक्शन करके, बेटर कि उसको आप फैसिलिटेट करते हैं कि वो साइकिल, तो ये जो साइकिल आप बनाने की कोशिश करती है, ये कितने समय में पूरी होती है? तो जैसे कि हमने बोला कि वन ईयर का प्रोडक्ट है, 90 डेज के बाद ये एनपीए कैटेगरी में जाता है, उसके बाद इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मोर मंथ्स प्लस और माइनस वेयर द कस्टमर इज एबल टू रिन्यू एंड रिटेन दैट रिलेशनशिप विद अस। तो वो जो साइकिल हमारा हमेशा रहा है। इनफैक्ट इसका सक्सेस रेट कितना है, आपके इस कोशिश का कितना सक्सेस रेट है? It's been a testimony to our customer service. Every day, we service 2.5 lakh customers and majority of them are repeat customers. Why do customers come to us and trust us? Because we are India's number one most trusted financial services brand for the last 8 years in a row. Why does that trust come in? Because they know the customer. हम हमेशा customer का interest पहले हमेशा रखते हैं and हमेशा रखे गए हैं इतने सालों से, हम decades से, centuries से करे जा रहे हैं। तो वो trust हमने हमेशा, we have earned that with due respect. And that is always showcased in our results, being the category leader in this industry. Okay. अच्छा, एक चीज़ और, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका मार्जिन थोड़ा सा घटा है, वो क्यों?
एक सवाल विच नहीं अभी मार्जिन तो एनी स्पेसिफिक नंबर योर आपको, आप देखिए ना मार्जिन आपका 11.51% है जो पिछले क्वार्टर में उससे ज्यादा था, Are you talking 11.5 about परसेंट NIM? NIM. Yeah, so NIM, quarter, if you see last quarter, quarter one in last year, it was at 11.58%. वो घट के बस 11.51%. It's a very negligible change in the margins. In fact, we are happy with maintaining this kind of 11.51 to approximately 12%. We are happy to be in that range. So nothing of very much a concern then. It's a very, very marginal difference. ओके अब एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ आपके इसमें देखने को मिल रही है मुझे कि आपने जो हाई गोल्ड प्राइसेस है और सरप्राइज किया है लोन ग्रोथ में पॉजिटिवली, आपके एयूएम आपका 84,000 करोड़ से ज़्यादा निकल गया है, क्या ये एक अच्छी बात है कि आपने, चूँकि हायर प्राइसेस पे गोल्ड है तो लोन ग्रोथ भी बहुत बढ़िया देखी है, लेकिन इकोनॉमी में चूँकि आप लोगों के पास पल्स होती होगी, इतना सपोर्टिव है क्या, कुछ चिंता दिख रही है क्या आपको आगे जाते हुए? No, actually, we have always focused on market share increase and new customer penetration. With more than 5,000 branches, 65% of our branches are in the semi-urban rural areas of the country. So we actually do financial inclusion very, very well, considering our distribution network and our focus on new customer acquisition. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये इस क्वार्टर में हमने सबसे ज्यादा गोल्ड लोन डिसबर्समेंट न्यू कस्टमर्स को किया है, विच इज हिस्टोरिकली हाई, 5,651 crores. And we've added more than 4,92,000 customers in the last quarter alone. So it is a good calibrated growth, healthy growth, and we are able to demonstrate that with the facts and figures in our quarterly performance. And हम बहुत marketing initiatives करते हैं customer का mindset को shift करने के लिए कि it's a very smart product, very intelligent product to take financing again and make them self-reliant on their own gold. जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत गोल्ड अवेलेबल है, बट उसको हम वो एक डेड एसेट को हम अनलॉक करके एक प्रोडक्टिव यूज में लेके आ रहे हैं. तो वो जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हो, डिजिटल इनिशिएटिव हो, कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव्स हो, बोथ ऑन एटीएल बीटीएल मीडियम्स, आर ब्रांच प्रोडक्टिविटी, हमारा जो पर ब्रांच का प्रोडक्टिविटी लेवल है, पिछले साल 13.93 करोड़ था, इस साल वो बढ़कर 16.67 करोड़ पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सच अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा गया. तो इट्स बीन अ हेल्दी ग्रोथ, कैलिब्रेटेड ग्रोथ, फोकस ग्रोथ विथ आर कोर फोकस ऑन द मेन प्रोडक्ट विच इज आर गोल्ड फाइनेंसिंग प्रोडक्ट. एक एक और सवाल, आई एम श्योर कि आप लोग एंड यूज़ पे भी नज़र रखते होंगे जो बोरोवर्स होंगे, है ना, तो मैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी समझना चाहता हूँ कि वो कैसी चल रही हैं। हमारा जो एंड यूज है, हमने एक एक्चुअली कैंपेन भी रन किया था, मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच, जहां कि हम कस्टमर्स को टेस्टिमोनीज बना के देने बोलते थे कि किस यूज के लिए आपने यूज किया है. सो इट हैज बीन सो डाइवर्स, इट्स अ मास मार्केट प्रोडक्ट, इट्स सो डाइवर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी, रादर देन बीइंग अ डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग प्रोडक्ट, इट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. किसी को अपना रेस्टोरेंट बढ़िया करना है, किसी को अपना दुकान बनाना है, किसी लेडी को अपना एक ब्यूटी सैलून बनाना है, किसी को अपने स्टॉक बढ़ाना है, तो वेरियस यूजेस वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अनलॉकिंग ऑफ पीपल्स ड्रीम्स, जो वो चाहते थे, करना चाहते थे, बट उनको फॉर्मल क्रेडिट का एक एक्सेस नहीं मिला. आई थिंक मुथूट फाइनेंस एम्पावर्ड दोस पीपल टू गेट फॉर्मल एक्सेस टू क्रेडिट, एंड नॉट ओनली दैट, बिल्ड अ क्रेडिट पोर्टफोलियो. व्हेन यू टेक अ गोल्ड फाइनेंस प्रोडक्ट, सब मेनी प्रोडक्ट पीपल टेक फाइनेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, उसमें अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो भी बना पाते हैं, अपना क्रेडिट रेटिंग बना पाते हैं, दैट ओपन्स अप सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इन द फ्यूचर फॉर देम ऑल्सो. तो आई थिंक मुथूट फाइनेंस हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ब्रिंगिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, opening access to credit to lot of people, especially in the semi-urban and rural areas of this country, and empowering people to realize their dreams. I think Muthoot Finance has been doing that consistently. And ये जो testimonies हमारे पास आए हैं from the length and breadth of the company is actually true life testimonies of people's lives that we have transformed. So I think we are doing a very good work in that space of financial inclusion and unlocking a dead asset and putting it to productive use. एलेक्स बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू और सो बहुत मच, अच्छी हिंदी भी आपने बोली, ये इसके लिए भी थैंक यू, थैंक यू सो मच, और विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. थैंक या थैंक यू सो मच टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यू, हम लोग अगले क्वार्टर में फिर बात करेंगे, मज़ा आएगा आपसे थैंक मिलकर, यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच सर. थैंक यू, थैंक यू. तो ये था